शिक्षा का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ अभिभावकों के प्रदर्शन में कांग्रेस की नोएडा टीम भी अभिभावकों के साथ अब नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा वन में स्थित निजी स्कूल के सामने सैकड़ों अभिभावकों व कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। अभिभावकों का आरोप है कि निजी स्कूल के प्रबंधक ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ाई कराने की फीस भी 3 महीने की ले रहे हैं। शिक्षा का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसलिए ये हमारा एक तो ये है कि इन्होंने क्या है, एक नया टर्म बना दिया कंपोजिट फी। पहले साल तक क्या होता था, ब्रेकअप आता था फीस का, जैसे ट्यूशन फीस है, बिल्डिंग फीस है, कंप्यूटर की फीस है, लाइब्रेरी की फीस है, वो सारी इन्होंने इस बार एक कर दी है। तो हमारा ये मांग है कि पहले 3 महीने जहां पर क्लास नहीं हुई, केवल 10 वीडियो अपलोड हुए पूरे 3 मंथ्स में, अप्रैल, मई और जून, वहाँ पर पूरी फीस माफ़ हो, क्योंकि 10 वीडियो अपलोड करने से हम पूरी फीस देने के लायबल नहीं बनते। और दूसरा, जो जुलाई से इन्होंने 14th या 15th जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, वहाँ से हमारी मांग ये है कि हमारा जो है केवल ट्यूशन फीस ली जाए, क्योंकि बच्चा ऑनलाइन फीस घर पे पढ़ाई कर रहा है, स्कूल का कोई फैसिलिटी यूज नहीं कर रहा है, तो जो अदर चार्जेज हैं वो हमारे वेव ऑफ हों और केवल ट्यूशन फीस ही ली जाए। अभी हम आपको दिखा भी सकते हैं, ये देखिए, एक इन्होंने जो है कॉमन बना दिया है कंपोजाइट एनुअल चार्जेस, और लास्ट पेज पे यहाँ पे लिखा भी है कि कंपोजाइट फीस जो है इसमें आपका जो है ये पार्ट है सारी चीज़ों का तुम्हारा, हमारा यही है कि इसका ब्रेकअप दिया जाए, जो कंपोजिट फी है इसमें कितना ट्यूशन फीस है, कितने अदर चार्जेज हैं, और स्कूल जो है जिस दिन से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं 15th जुलाई ऑनवर्ड, उसके बाद केवल ट्यूशन फीस पे करें, और जो लास्ट 3 मंथ है अप्रैल, मई और जून, उसका हम कोई फीस नहीं देना। जबकि सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि स्कूल प्रबंधक जबरन अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते। इतना ही नहीं, अभिभावकों का आरोप यहां तक है कि स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम देने से मना भी कर दिया, जिसके बाद अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधक के खिलाफ स्कूल के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं फीस माफी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ नोएडा की कांग्रेस कमेटी मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी निजी स्कूल प्रबंधकों की मनमानी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि स्कूल प्रबंधक द्वारा बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम कराने की सहमति पर धरना इस बात के साथ खत्म हो गया कि अभिभावक बुधवार को जिला अधिकारी के सामने पेश होकर स्कूल प्रबंधक के खिलाफ शिकायत करेंगे। मैं आज जो हमारे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है, उसका असर सभी लोगों पर पड़ा है, और जिला गौतम बुद्ध नगर में जिस तरह से स्कूलों ने मनमानी तानाशाही करके बच्चों की फीस लूटने का काम कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं अभिभावकों को, मेरा इस उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी सरकार से ये मांग है कि अप्रैल, मई, जून जो लॉकडाउन के टाइम का पीरियड था, जब क्लासें भी नहीं चली, लाइब्रेरी नहीं चली, कंप्यूटर लैब नहीं चली, उस टाइम का सभी बच्चों की, सभी पेरेंट्स को रिलीफ देते हुए सभी बच्चों की फीस माफ की जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, भाजपा सरकार नहीं करती है, तो कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को लेकर पेरेंट्स के साथ इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेगी। वहीं जिस तरह नोएडा में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस की नोएडा टीम ने अभिभावकों की मांग के साथ उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है, उसके बाद कहा जा सकता है कि नोएडा में कांग्रेस विपक्ष की शानदार भूमिका अदा कर रही है। मनोज चौधरी और उनकी टीम द्वारा न सिर्फ सड़कों पर आकर जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया जाता है, बल्कि जनता की हर समस्या को
बढ़ चढ़कर शासन और प्रशासन तक पहुंचाया भी जाता है। इतना ही नहीं, मनोज चौधरी का नाम पश्चिमी यूपी में कांग्रेस के सबसे युवा और तेज तर्रार अध्यक्षों की सूची में शामिल है। मनोज अपने संघर्षों को लेकर कांग्रेस के लोकप्रिय नेता भी माने जाते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो या फिर डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत। मनोज और उनकी टीम ने सरकार को जगाने के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी यूपी में कांग्रेस की टीम अगर जनता के मुद्दों पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है तो वो दिल्ली से सटा यूपी का नोएडा जनपद है। टाइम 24 न्यूज के लिए भूपेश प्रताप की रिपोर्ट। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।